हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण्स किचन। किरण किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लौकी और चने दाल की सब्जी बनाऊंगी। ये लौकी मैंने धोकर छीलकर काट लिया है इस तरह से, और ये चना दाल भिगो लिया है। 2 घंटे भिगो लेंगे, फिर इस तरह से हो जाएगा। उसके लिए चाहिए ये प्याज, 3 प्याज और 2 टमाटर मैंने काट लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें मैं तेल डाल दूंगी। आप जो भी ऑयल खाते हो उसको डाल लें। ये गर्म हो गया अच्छे से। अब इसमें मैं 5 फोरन डालूंगी। ये हींग डाल देंगे थोड़ा। और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। दोस्तों, मैं मिर्ची भी डाल दूंगी, 2-3 लाल मिर्ची डाल दूंगी। फोरन में मैंने नहीं डाला क्योंकि बहुत झांस लगता है, तो इसलिए प्याज फ्राई करते समय मैंने मिर्ची डाल दिया। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैं तैयार रखती हूँ, ये घर का होममेड है मेरा अदरक लहसुन। मैं ग्रेट कर लेती हूँ, ये चॉपर में ग्रेट करके मेरा रखा हुआ है, बस थोड़ा सा डाल दिया चम्मच। मिक्स कर लेंगे। टमाटर डाल देंगे इसमें, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। नहीं डाला है आप स्किप कर सकते हैं। मैं डाल देती हूँ, अच्छा लगता है, टमाटर वगैरह रहता है तो। ये फ्राई हो चुका है प्याज टमाटर, अब ये चना का दाल डाल देंगे। अब ये लौकी जो हमने काटा है उसको डाल देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार। दोस्तों, ये नमक खाया कीजिएगा, पिंच सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ये हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। हल्दी को डाल दिया है। अब ये जीरा धनिया पाउडर, आप चाहे तो इसमें जीरा धनिया पाउडर की जगह सांभर मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं कभी कभी सांभर मसाला भी डालती हूँ इसमें। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, इसको ढक देंगे, फिर अच्छे से ये पक जाएगा। पीछे से इसको हिलाते रहेंगे। दोस्तों, इसको एक बार चलाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं तो फिर अच्छे से ये पकेगा। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, वो तुरंत जल्दी बन जाता है। अगर बड़े बड़े टुकड़े काटे तो प्रेशर कुकर में ही बनाए, नहीं तो एकदम छोटे छोटे काटे। देखते हैं हमारे चना और लौकी का क्या हाल है। अच्छे से पक गया है, पानी डाला था तो पक गया। कम से कम 10-15 मिनट तो लगता ही है। पानी थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा ड्राई करेंगे, थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। और देखिए, इसमें अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। मैंने ये घर पे बनाया है गरम मसाला, घर पे ही अजब बनाना चाहिए, ज़्यादा टेस्टी रहता है। मैं घर पे ही सारा मसाला तैयार करती हूँ।
ढक के ही इसको पका लेंगे ताकि पानी थोड़ा सूख जाए। अभी हो चुका है चना लौकी का सब्जी पूरी तरह तैयार है। थोड़ा सा रस तो रहने ही देंगे इसका ग्रेवी, क्योंकि रोटी पे खाएंगे ना, रोटी चावल चावल पे खा सकते हैं, रोटी पे भी खा सकते हैं, तो अभी रोटी पे रखते हैं इसको। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। दोस्तों हमारा लौकी और चने का सब्जी तैयार है, चने दाल का, और ये बनना बहुत ही मज़ेदार बना है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये सब्जी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।